नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24 में आपके साथ कुसुम मिश्रा। ये बढ़ते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर फरीदाबाद से। 1 अक्टूबर से हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर नीतियों को बता रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ हरि विहार कॉलोनी में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व बल्लभगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार हरेंद्र भाटी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लोगों से चर्चा की, जैसे पानी की आपूर्ति, सड़क की स्थिति, सीवर की समस्याएं और बिजली कटौती। देखो, ये एक नुक्कड़ सभा है, आपको देखने को मिलेगा। अभी तक 2 घंटे से यहाँ पर लोग रुके हुए हैं। ये इनका प्यार है, मेरा परिवार है ये, और ये परिवार ये हम यहाँ पर मैं लगभग 5-6 साल से अपने परिवार के साथ, जो भी इनका जहाँ भी ये मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ और आगे भी होता रहूँगा, क्योंकि ये जनता ये सिर्फ वोट तक की सीमित नहीं है और मेरा परिवार है। इसके साथ मैं सदा 24 घंटे जहाँ भी ये बुलाएंगे वहाँ पर मैं हाजिर रहूँगा और कंधे से कंधा मिलाकर इस कॉलोनी की समस्याओं का, पूरे विधानसभा की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिंदगी भर मैदान में रहूँगा। तमाम तरीके से कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है आपसे सरकार पर, चाहे वो को लेकर चाहे वो जिस तरीके से जो मंत्री है उन्होंने विकास नहीं करवाया, क्या कहेंगे इसको? देखो, विकास में आपको बताऊं, 2-3 दिन पहले की वीडियो, यहाँ की महिलाओं ने, मेरी मातृशक्तियों ने यहाँ पर एक समस्या रखी कि यहाँ पर सीवर की बहुत समस्या है, ओवरफ्लो आ रहा है। हमारी माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, वाकई में काबिले तारीफ।